संयुक्त किसान मोर्चे ने पंजाब सरकार दे वल्लों जो ऐलानिया गया मुआवजा सी उसनू नकार दिता है। जी हाँ, केंद्र ते पंजाब सरकार दे खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते हुए इत्थे किसान आगू नजर आए। 11 तो 13 सितंबर तक पूरे पंजाब दे विच मुजाहरे किए जाएंगे, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिता है। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने पंजाब सरकार दे वल्लों ऐलानिया मुआवजा इत्थे नकार दिता है। कैबिनेट मंत्रियों ते बीजेपी आगुआं दे घरां दे अगे धरने लगावांगे, उन्होंने ये भी कहा। रात वेले भी धरने जारी रहेंगे। 22 सितंबर नूं डिप्टी कमिश्नर दफ्तरां दा घेराओ कीता जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों एक बार फिर तो मोर्चा खोलण की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार ने जो मुआवजा ऐलानिया है उसनू नकारते हुए आगू नजर आए। केंद्र अते पंजाब सरकार दे खिलाफ एक वड्डा संघर्ष विढ़न दा ऐलान किया। पंजाब दे विच्चों हद तक पंजाब सरकार वालों कोई अनाउंस नहीं किया गया कि की मुआवजा देना है। हरियाणा दे विच मुख्यमंत्री वालों अनाउंस कर दिता है कि 15,000 रुपया जिहड़ा आ फसलों का जिहड़ा मुआवजा असी झोने ते दवांगे, तो जिहड़ा कोई मृतक है उहदा 4,00,000 रुपया दवांगे। पर पंजाब दे विच हद तक जिहड़ा कोई इहो जिही अनाउंसमेंट नहीं हुई। पंजाब दे विच फसलां प्रभावित हो गई हैं और उहदे नाल माल डंगर का भी नुकसान बहुत ज़्यादा होया है। सो माल डंगर का जिहड़ा नुकसान होया उहदे विच असीं कहा सी कि 80,000 रुपया प्रति जिद्दा कोई पशु आ उहदा दित्ता जाए। जे कोई किसी जी की हत्या जिहड़ी आ मौत हो गई है, जानी नुकसान हो गया, घट्टो घट जिहड़ी सरकार आ उह 10,00,000 रुपया दे। सो पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां तो ने जिस तरह प्रोग्राम अलीकिया सी और 11, 12 ते 13 सितंबर नूं दिन रात जिहड़े आ उह जिहड़े बीजेपी दे मंत्री आ जां आम आदमी पार्टी दे मंत्री आ जां प्रमुख अहुदेदार जिहड़े इन्हां दे और जिले च इक जगह दे उपर दिन रात उन्हां दे घरां दे मूहरे जिहड़ा आ उत्थे धरना जिहड़ा लाया जाएगा।